दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने फेसबुक के अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं अगर उसका ईमेल या फोन नंबर आप भूल चुके हैं और आप चाहते हैं उसको रिकवर करना, तो कैसे आप उसको सक्सेसफुली रिकवर कर पाएंगे विदाउट नंबर और ईमेल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। अगर इस वीडियो पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि ऐसे ही कमाल के कंटेंट आपके लिए हम लाते रहते हैं। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बता दें कैसे क्या कुछ करना है। तो सबसे पहले आपको एक काम कर लेना है, आपको एक जो है फेसबुक अकाउंट बना लेना है, कोई भी फेसबुक अकाउंट आप नया बना लीजिए। उसके बाद में गाइस उसको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है, लॉगिन करके आपको आपका पुराना अकाउंट जो कुछ भी है उसको वहाँ पे सर्च करना है गाइस। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पे राहुल शुक्ला लिख के सर्च किया है और यहाँ पे जो है अकाउंट देखने को मिल रहा है गाइस। सिंपली क्या करना है, आपको अपना नाम लिख के या जो भी आपका अकाउंट जिसको आप खो चुके हैं, जिसको आप अभी आपको नहीं मिल पा रहा है, उसको गाइस सिंपली आपको यहाँ पे लिख के सर्च करना है। जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे सजेशन में आता है नाम, तो आपको सिंपली गाइस प्रोफाइल पे चले जाना है। सबसे पहले प्रोफाइल पे आपको जाना पड़ेगा। प्रोफाइल पे आप जाएंगे गाइस तो यहाँ पे आपको 3 डॉट देखने को मिल जाएगा गाइस। आपको सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे गाइस आप जो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपी लिंक। आपको सिंपली गाइस यहाँ से कॉपी लिंक कर लेना है प्रोफाइल का। जैसे गाइस एक बार आप जो प्रोफाइल का कॉपी लिंक कर लेते हैं तो आपको अपना जो ये सेकेंड वाला अकाउंट है इसको सबसे पहले गाइस यहाँ पे लॉगआउट कर देना है और अगेन जो है नया अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे सिंपली गाइस यहाँ पे मैंने सिंपली वही लिंक पेस्ट कर दिया है, मोबाइल या फोन नंबर, मोबाइल या जो है ईमेल पे जाकर के आपने जो लिंक अभी कॉपी किया था वही लिंक आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको हटा देनी है, यहाँ पे जो www.facebook.com/ लगा हुआ है यहाँ तक की सारी चीज़ें हटा देनी है, रिमूव कर देनी है। तो यहाँ पे सिंपली गाइस इसको सबसे पहले मैं सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ, केवल आपको आपका यूजर नेम जो लिखा हुआ उसके बाद का जो भी है उसको ही यहाँ पे रखना है। इसके बाद में गाइस आपको क्या करना है, पासवर्ड के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे उल्टा सीधा पासवर्ड आपको डाल देना है। इसके बाद में लॉगिन करना है, लॉगिन करेंगे गाइस तो यहाँ पे आपका जो है ट्राई अगेन लिख के आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपको गाइस ट्राई अगेन पे क्लिक करना है और फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंपली गाइस आपको फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पे आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ये जो है फाइंड कर लेगा गाइस। अब यहाँ पे गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ट्राई अनदर वे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली गाइस क्या करना है, ट्राई अनदर वे पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आपके पास में ये नंबर नहीं है, आप जो इस नंबर को एक्सेस नहीं कर सकते गाइस, तो आपको यहाँ पे सिंपली ट्राई एन अदर वे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप जो यहाँ पे ट्राई एन अदर वे पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो है जो भी आपके अकाउंट में ईमेल अटैच होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या अगर आपके फ़ोन में पासवर्ड सेव हो तो आप जो है गाइस यहाँ पे पासवर्ड भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस पासवर्ड आपके फ़ोन में कैसे जो है, ज़्यादातर लोगों के फ़ोन में जो है पासवर्ड सेव हो जाता है, गूगल जो है ऑटोमेटिकली पासवर्ड को सेव कर लेता है, तो आपको चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में पासवर्ड जो वो सेव्ड है या नहीं। अब कैसे आप चेक करेंगे, तो सिंपली गाइस आपको आपके फ़ोन के सेटिंग्स में जाकर के ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। चलिए गाइस मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता देता हूँ कैसे आप जो अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं कि पासवर्ड जो फेसबुक का है वो सेव्ड है या नहीं। तो यहाँ पे सिंपली गाइस सबसे पहले मैं चलूँगा फ़ोन की सेटिंग्स में, तो चलिए गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे लिख के आपको सर्च करना है गाइस सिंपली जो है पासवर्ड मैनेजर। तो हर एक फ़ोन का अलग अलग पासवर्ड मैनेजर होता है, जैसे मैं सैमसंग डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे सैमसंग पासवर्ड मुझे जो है मेरे फ़ोन में है तो यहाँ से जो है मैं उसको एक्सेस कर पाऊँगा, नहीं तो यहाँ पे गाइस जो गूगल पासवर्ड है वो सारे लोगों के फ़ोन में होता है। तो यहाँ पे गाइस जैसे ही आप जो यहाँ पे इस पर सर्च करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड एंड ऑटोफिल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं ऑटोफिल विद सैमसंग पासवर्ड, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि मेरे फ़ोन में सैमसंग वाला है। आपके फ़ोन में हो सकता है आपके डिवाइस का कोई पासवर्ड मैनेजर हो तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे गाइस अगर आपके फ़ोन में कोई पासवर्ड मैनेजर खुद का नहीं है तो आपको गूगल वाले पे जाना है, तो गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट जो है यहाँ पे लगाता हूँ और इसके बाद में गाइस जैसे मैं फिंगरप्रिंट लगाऊंगा तो यहाँ पे वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद में आपके फ़ोन में जो भी पासवर्ड यहाँ पे सेव्ड होंगे वो आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऐप्स एंड वेबसाइट लिखा हुआ है, आपको सिंपली ऐप्स और वेबसाइट वाले ऑप्शन पे आपको जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ गूगल पासवर्ड पे आप जाएंगे तो यहाँ से भी आपका जो गूगल का पासवर्ड मैनेजर है यहाँ पे भी गाइस आपको आपके पासवर्ड जो कुछ भी होंगे देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर दे। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में कमाल की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।